मेरे YouTube चैनल ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਟਫ ਚੀਜ਼ ਗਾਰਲਿਕ ਬ੍ਰੈਡ ਡੋਮਿਨੋਸ ਸਟਾਈਲ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾ ਓਵਨ ਕੇ ਘਰ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲਿਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। गार्लिक ब्रेड के लिए सबसे पहले मैं डो तैयार करूंगी। मैंने 1.5 कप के अराउंड मैदा लूंगी। इसमें मैं 1 टेबलस्पून चीनी डालूंगी, 1 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून मैं घी डाल रही हूँ। बीच में आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और बहुत थोड़ा सा मीठा सोडा, इंच ऑफ ही है। अब मैं इसको सारे को मिक्स कर लूंगी अच्छे से। अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी। 1 कटोरी दही ली है मैंने, इसको भी मैं इसी में मिक्स कर लूंगी अच्छे से। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार करूंगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और एक सॉफ्ट डो तैयार करूंगी। इसको हमने बहुत ही अच्छे से एकदम स्मूथ तैयार करना है। डो जो है मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लिया, अब इसके ऊपर मैंने लगा लिया। अब इसको हम अच्छे से, क्योंकि ये हाथों पे चिपकता है ना नहीं तो मैदा, थोड़ा रिफाइंड ऑयल से अपना अच्छे से हम इसको गूंथ लेंगे। इसको 5-7 मिनट बहुत ही अच्छे से गूंथ लेना है। उसके बाद इसको कवर करके मैं 1 घंटे के लिए रख दूंगी। उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। फिर इसके ऊपर भी हल्का हल्का ऑयल लगा 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, कवर करके रख दूंगी। ले लिया बटर के अंदर मैं, मैंने गार्लिक को कूट लिया। अब इसमें मैं थोड़े मिक्स हर्ब डालूंगी। एक टेबल स्पून के अराउंड मैंने मिक्स हर्ब इसमें डाल लिया। इसी के साथ मैं थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स भी ऐड कर दूंगी इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह अब ये हमारा गार्लिक बटर रेडी हो गया एक तरह से। 1 घंटा हो गया मेरे को इसको रखे। अब मैं इसको चेक करूंगी, ये काफ़ी फूल भी गया है ये देखो। अब इसको मैं 5-7 मिनट अच्छे से इसको गूंथ लूंगी ताकि ये एकदम से सॉफ्ट हो जाए। पाँच सात मिनट हो गए, मैंने बहुत ही अच्छे से इसको गूंथ लिया। ये देखो एकदम सॉफ्ट डो है हमारा। कढ़ाई में भी बना सकते हो, कुकर में भी बना सकते हो, किसी भी चीज़ में बना सकते हो। मैंने ये लिया, थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। इसमें मैंने नमक डाल लिया और नमक डाल के मैंने एक स्टैंड रख दिया बीच में। इसको मैं 5 मिनट प्री हीट करूँगी, तब तक हम बेल लेते हैं। अब मैं इसकी 2 पेड़े कर दूँगी क्योंकि मैं इससे 2 बनाऊंगी गार्लिक ब्रेड। हाथ नीचे करो। 2 बॉल्स बनाऊंगी क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी होती है ना, इसलिए इसका जो पेड़ा है बड़ा होता है। और मैंने 2 गार्लिक ब्रेड के लिए अराउंड 200 ग्राम मैदा लिया था। अब हम बेलना शुरू करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा डस्ट कर रही हूँ। इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना होता, थोड़ा मोटा मोटा ही बेलना है।
इस तरह मैंने बेल लिया। अब इसकी जो थिकनेस है इतनी रखनी है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने गार्लिक बटर बना के रखा हुआ है इसको पूरे पे लगा लूँगी। साइडों में से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देनी है क्योंकि हमें इसको बंद करना है ना, इसलिए फिर साइडों पे लगा देंगे तो वो फिर बंद नहीं ढंग से होगा। इस तरह अब मैं इस पे थोड़े से कैप्सिकम स्प्रिंकल कर दूंगी। आप अगर प्लेन भी बनाना चाहो तो प्लेन भी बहुत टेस्टी लगती है, जरूरी नहीं है मैं वेजिटेबल्स डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अब मैं चीज डाल रही हूँ बीच में, इस तरह अब इस पे मैं थोड़े से कॉर्न के दाने रख दूंगी। मैंने बॉईल कर लिया कॉर्न को। चीज जो हमने बीच में डाला है वो थोड़ा फ्रोजन ही हो। अब हम साइडों में थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे क्योंकि हमें इसे साइडों से बंद करना है, इसीलिए मैंने बटर बोला था आपको कि साइडों में मत लगाना क्योंकि हमें पानी लगाना था ना साइडों में। अब हम इस तरह उठाकर इसको साइडों से सारा दबा देंगे ताकि ये सील हो जाए एक तरह से ना, साइडों से अच्छे से दबा के बंद करना है हमें। अब ये मैंने साइडों से सारा अच्छे से सील कर लिया इसको। अब इस पे मैं कट लगा दूंगी इस तरह से। अब मैं इस पे थोड़ा थोड़ा ब्रश से बटर और गार्लिक लगा दूंगी। अब मैं इसमें मैंने बटर पेपर नीचे लगा लिया है, अब मैं इसके ऊपर इसको इसके ऊपर रख देना। मैंने जो प्री हीट करके रखा है अब मैं इसको उसी में रख दूँ। अब ये प्री हीट हो गया पूरा, अब मैं इसको इसके ऊपर रख के बहुत केयरफुली रखना है क्योंकि गर्म होता है ना, इसको कवर कर दूंगी। और मेरा जो फ्लेम है वो फुल पे ही रखा है अब 15 मिनट के लिए। अब मैं इसको बेक्ड होना रखूंगी और 12 मिनट के बाद एक बार मैं इसको चेक करूंगी कि इसकी पोजीशन क्या है। 15 मिनट हो गए हैं मेरे को इसको बेक करते हुए, मैं इसको चेक करूंगी। अब ये हमारी एकदम अच्छे से बेक हो गई है, अब मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ, इसको बाहर निकाल लूंगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा जो मैंने बटर बनाया था उसको लगा दूंगी। इस तरह थोड़ा सा मिक्स हाफ स्प्रिंकल कर दूंगी। अब मैं इसको काट कर दिखाती हूँ। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके।